धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 0 ओवर में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी धन्यवादी हूँ। मैं माननीय रेल मंत्री से कुछ मांग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे टोंक सवाई माधोपुर में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो 12,000 छात्राएं वनस्थली पीठ में पढ़ती हैं, और त्रिनयन गणेश जी का मंदिर है जो और कहीं नहीं है, और चौथ के बरवाड़े में चौथ माता का मंदिर है। इसलिए कुछ रेल ठहराव ज्यादा चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूँ, और साथ ही रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर के विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के निम्नलिखित 2 रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव करवाया जाए। नंबर 1, रेलवे स्टेशन नारायणपुर टटवाड़ा कोटा मंडल का टिकट बुकिंग के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्र का सबसे अच्छी बुकिंग देने वाला स्टेशन है। इस स्टेशन से लगभग 105 गांव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही यह करौली व सवाई माधोपुर दोनों जिलों को जोड़ने के वाला एकमात्र सबसे बड़ा स्टेशन है। इस स्टेशन से तहसील सपोटरा जिला करौली के डांग क्षेत्र के निकटवर्ती लगभग 40 गांव एवं लगभग 15 पंचायतें आती हैं, तथा जिला सवाई माधोपुर के लगभग 50 गांव हैं। गंगापुर सिटी की लगभग 20 ग्राम पंचायत भी इस स्टेशन से जुड़ी हुई हैं। इस क्षेत्र के लगभग 70,000 व्यक्ति विभिन्न राजकीय क्षेत्र जैसे आर्मी, रेलवे, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय विद्यालय, राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और अपने निवास पर पहुंचने हेतु ट्रेन के ठहराव की आवश्यकता महसूस करते हैं। यहाँ लगभग 30,000 यात्री प्रतिदिन है। शून्य काल में पूरा पैरा पढ़ते नहीं है। दूसरा मैं इसी में कह देता हूँ, दूसरा मेरा मांग है कि जन शताब्दी सुपरफास्ट मेवाड़ एक्सप्रेस और निजामुद्दीन ट्रेन कोटा ठहराव करवाने का कष्ट करें, क्योंकि इससे भी मेरा क्षेत्र का मामला होता है। धन्यवाद आपका।